नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि घर पर मछली कैसे बनाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और आग तेज़ कर लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे गरम होने तक। तो साथियों, तेल डाल दिए हैं और गरम हो रहा है, तो हम इसका गरम होने तक वेट करेंगे। तो देखिए, तेल धीरे धीरे गरम हो रहा है और यहाँ पे लगभग गरम हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आप जितना ज़्यादा प्याज डालेंगे उतनी ज़्यादा ग्रेवी बनेगी। तो हम इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल दिए हैं। याद रहे कि आग थोड़ा तेज़ रहे ताकि जल्दी से प्याज गल जाए। तो देखिए, धीरे धीरे प्याज गल रही है और प्याज को हम मिला देंगे अच्छे से हर जगह ताकि आसानी से तेल पहुंच जाए और गरम हो जाए जल्दी से और गल जाए। तो देखिए, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो अब हम इसमें और लहसुन और मिर्चा डाल देंगे ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। और अब हम इसको मिला देंगे ताकि जो लहसुन और मिर्च है वो भी गल जाए। और याद रहे कि आप मिर्च अपने हिसाब से ही डालिए, ना तो ज़्यादा डालिए ना तो कम डालिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप खा नहीं पाएंगे और अगर कम हो जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद ये जो मसाला है तो इसका पेस्ट बना दीजिए। तो उसमें आप कुछ कई मसाले ले सकते हैं, लहसुन, मिर्च, धनिया, इलायची, इस सभी का पेस्ट बना के और रेडीमेड जो मसाला होता है उसका पेस्ट बना के डाल दीजिए। और मसाले को पकने तक आप वेट करिए, तो आग थोड़ा तेज़ ही रहे जिसकी वजह से जो मसाला है तो आसानी से और जल्दी से पक जाएगा। तो हम इस पेस्ट डाल के मिला दिए हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे जो भी मछली है उसको डालेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे मछली डाल दिए हैं और इसको हर जगह मिलाते रहना है ताकि जो मसाला है पूरे मछली या फिश में पहुंच जाए ताकि टेस्ट अच्छा रहे। ये नहीं कि कुछ मछलियों का स्वाद इधर है तो कुछ उधर है। तो अब हम मसाला मिला देंगे अच्छे से हर जगह ताकि टेस्ट बढ़िया हो जाए। और इसे हल्का गर्म होने तक हम इसमें पकाएंगे और मिला देंगे अच्छे से मसाला जो भी है। अब देखिए, मसाला मिल गया है और इसमें हम जो रेडीमेड और मसाले हैं उसको डाल देंगे और हल्का सा गर्म होने देंगे। देखिए, धीरे धीरे गर्म हो गया है। तो हम
पानी डाल देंगे जितना हमको पानी डालना है मसाले को पकाने के लिए। मसाले को थोड़ा हम मिला दे रहे हैं जो भी रेडीमेड मसाला है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। धीरे धीरे मसाला पक रहा है रेडीमेड। अब हम आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे कि हमें कितने लोगों के अनुसार कितने लोगों बनाना है उसके अनुसार हम पानी डाल देंगे, ताकि सबको अच्छे से हो जाए, ग्रेवी ठीक ठाक रहे। और हम इसमें नमक भी मिला दिए हैं, और नमक भी अपनी आवश्यकता अनुसार डालिए कि ज़्यादा हो जाए तो खा ना पाए, कम हो जाए तो टेस्ट ख़राब हो जाए, और अगर कम हो जाएगा तो पूरा मछली का स्वाद ही ख़राब हो जाता है। तो हमें जितना आवश्यकता है तो उतना हम पानी डाल लेते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हमारी मछली फिश पक रही है, और हम इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि सारी मछलियाँ अच्छे से पक जाएं। तो एक बार हम पलट दिए हैं मछली को, और देखिए धीरे धीरे हमारी मछली पकने के कगार पे है। और हम आग को थोड़ा कम कर देंगे। देखिए हमारी मछली पक गई है, तो अब हम इसे हटा देंगे या आग कम कर देंगे, और इसे सर्व करिए, बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा। तो साथियों, थैंक्स।